हजारीबाग में आज आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हजारीबाग के गांधी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई है, साथ ही सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। प्रमंडलीय कार्यक्रम की मेजबानी हजारीबाग जिला प्रशासन कर रहा है, जिसमें प्रदेश के 7 जिला हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा और रामगढ़ जिला से लाभ पहुंचेंगे। तो हजारीबाग में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अब कुछ ही देर में सीएम हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचेंगे और परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। तो आज लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। ये भी आपको जानकारी दे दें कि सीएम हेमंत सोरेन लगातार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रही है, जिसमें लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण कर रही है। सीधे चलते हम हजारीबाग, जहां पर हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि अभी बस अब कुछ ही देर में सीएम वहां पर पहुंचेंगे, और अगर बात की जाए तो कौन कौन से जिले के लाभुक वहां पर पहुंचे हुए हैं अभी तक? देखिए, 7 जिलों से लाभुक पहुंचे हैं और पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, और अब इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री के आने का। मुख्यमंत्री जैसे आएंगे उसी के साथ ये जो कार्यक्रम है उसकी विधिवत शुरुआत हो जाएगी। और हमारे साथ दो खास लोग भी मौजूद हैं। अमन, देखिए, गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं सरफराज अहमद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा उमा शंकर अकेला बरही से कांग्रेस के विधायक हैं, वो मौजूद हैं। तो जरा इनसे ही समझते हैं कि सरकार का ये जो कार्यक्रम है आपके द्वार सरकार खुद जा रही है, लोगों के बीच जा रही है, उसका किस तरीके का रिस्पॉन्स है। सरफराज जी, जो कार्यक्रम चल रहा है स्थापना दिवस से 15 नवंबर से, सरकार आपके द्वार यानी सरकार खुद आपके द्वार पहुंच रही है, किस तरीके का रिस्पांस देख पा रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है, ये एक बहुत अच्छा निर्णय है इस सरकार का। लोग दौड़ते थे अपनी दरखास्त लेकर के, अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए, पेंशन का फॉर्म लेके ब्लॉक में चक्कर काटते रहते थे, कभी गया तो किसी अधिकारी से भेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ, मायूस होकर घर लौट आते थे। तो सरकार ने सोचा कि हम सरकार को ही लोगों तक पहुंचाएं। आज प्रत्येक पंचायत में और पंचायत के सारे गांव के लोग एक जगह जमा हो रहे हैं अपने अपने छोटे बड़े कामों के लिए, जो ब्लॉक स्तर का काम है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, पेंशन की ज़रूरत है, किसी को दाखिल खारिज का काम है, उस कामों को लेकर के लोग उस कैंप में आ रहे हैं, और निश्चित रूप से फलाफल हो रहा, उसमें लोगों को फायदा हो रहा। और मैं ये मान कर चलता हूँ कि अगर आए हुए लोगों में आधे लोगों का भी काम हो जाए तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हजारों की तादाद में आवेदन भी आ रहे हैं। बिल्कुल, हजारों की तादाद में आवेदन आ रहे हैं, और आवेदन को फेंका नहीं जा रहा, आवेदन ऑनलाइन हो रहा और उनके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, और उस पर कार्रवाई होने के बाद भी उनको मैसेज जाएगा। और सबसे बड़ा काम ये हो रहा है कि समाज के जो बड़े बुजुर्ग, जो बेचारे अपाहिज या विधवा महिला, जो जिनको किसी तरह का पेंशन नहीं मिल रहा था, उनका पेंशन एट द स्पॉट सैंक्शन हो रहा है और अगले महीने से उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। सबसे उमा शंकर जी भी है, कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत सरकार एक बड़ी लकीर खींचना चाहती है, आप लोगों को भी लग रहा है एक बड़ी लकीर आप खींच पा रहे हैं? इसमें दो मत नहीं है, ये सबसे बड़ी लकीर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा आप भारतीय जनता पार्टी को चित करने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा झारखंड से। इसलिए हमारी सरकार ने, ये हमारा तीन है, सरकार आपके अधिकार, आपके सरकार और आपके द्वार पर आई है। यानी कि अधिकार हम बताने आए हैं, हम यहाँ के जनता को आपके अधिकार के कारण हमारी सरकार बनी है, और आपके अधिकार में सबसे पहले हम लोग कहा रोटी कपड़ा और मकान, हमारी मंशा है गरीबों तक रोटी कपड़ा और मकान जाए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले, आप जानते हैं कि सोना सोवरन धोती और साड़ी लुंगी की व्यवस्था करा करके 3.25 करोड़ जनता को सल तन पर कपड़ा देने का काम किया, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। उमा शंकर जी, कैसा रिस्पांस है लोगों के बीच, क्योंकि आप तो जनप्रतिनिधि है, लोगों से मिलते भी है, रिस्पांस कैसा है इस कार्यक्रम का? बता रहा हूँ आपको कि हर एक पंचायत के जिला जब आपके द्वार जाते हैं तो हजारों के संख्या में
वहाँ ने जनता के द्वारा आते हैं और उनकी समस्याओं को हम लोग सब मिल करके, हमारे प्रशासन के लोग, हमारे कार्यकर्ता के लोग, हमारे पार्टी के गठबंधन के सभी कार्यकर्ता के लोग उसको काम कराने का काम करते हैं। आपने देखा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी था, रघुवर जी थे, विधवा को कह दिया 40 वर्ष के बाद। ये कितना शर्म की बात है, जब विधवा 18 वर्ष में हो जाएगी तो 40 वर्ष के बाद में विधवा पेंशन देंगे। हमारी सरकार ने कहा कि हम ये विधवा सम्मान पेंशन जो है 18 वर्ष के बाद जितने विधवा पेंशन हो, विधवा है, सबको सम्मान देंगे। और 60 वर्ष के बाद उन्होंने कहा कि ईपीएल लाओ, बीपीएल लाओ, सीपीएल लाओ, लेकिन हमारी सरकार ने कहा आप सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, 60 वर्ष के बाद हम 1000 रुपया सम्मान योजना देंगे। चलिए, ये कहा जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है सरकार का, ये आगे भी नियमित तौर पर इसी तरीके से चलेगा, हर साल चलना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल निश्चित रूप से। हम लोग मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि ये प्रोग्राम हर थोड़े दिन के बाद सरकार को लोगों के द्वार पर पहुंचाने चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत लाभ होगा इससे, और इससे बिचौले भी भाग जाएंगे और जिनका काम नहीं होता कुछ तो संतुष्टि लोगों को मिलेगी, इसीलिए प्रोग्राम लगातार चलते रहना चाहिए। अधिकारियों की सुस्ती भी थोड़ी कम होगी ना? बिल्कुल सुस्ती कम होगी, लोग एक्टिव, उनको अकाउंटेबिलिटी उनको बढ़ेगी ना। उनको रिपोर्ट देना पड़ता है शाम को कैंप के बाद, उनको मुख्यालय में रिपोर्ट देना पड़ता है कि आज कितने लोगों का ऑनलाइन आपने किया, कितने लोगों का पेंशन सैंक्शन किया, कितने लोगों का दाखिल खर्च किया, उसकी रिपोर्ट उनको देनी पड़ती है। तो देखिए, हमारे साथ दोनों विधायक थे, चूंकि मुख्यमंत्री के आने का समय भी हो गया है अमन, इसलिए हम इनको विदा करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया आप दोनों का। जी राकेश, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से विधायक ने कहा कि उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल भी रही है सरकार और लोगों के बीच में। नहीं, बिल्कुल, देखिए, एक तो अकाउंटेबिलिटी भी तय होती है कार्यक्रमों के माध्यम से, क्योंकि खुद सरकार के मुखिया अगर लोगों के बीच है तो अधिकारियों में भी इस बात को लेकर अकाउंटेबिलिटी है कि उनका काम समय पर होना चाहिए। तो और सरकार के इस कार्यक्रम का एक जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है लोगों के बीच में, लोगों को लग रहा है कि सरकार जो है खुद उन तक चलकर आ रही है, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, खुद राज्य के मुखिया जो है तमाम प्रमंडलों में वो जा रहे हैं। तो एक जबरदस्त रिस्पांस इस कार्यक्रम का सरकार को मिल रहा है, और जो लाभुक हैं, जो लोग हैं, उनको भी सरकार के इस कार्यक्रम का सीधा लाभ हो रहा है। आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पर परिसंपत्तियों का वितरण हो रहा है, लाभुकों को लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा कई लोगों की नियुक्ति भी सीधे तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से की गई है। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स इस कार्यक्रम का मिल रहा है तमाम जिलों में, जहाँ भी अभी तक ये कार्यक्रम हुए हैं, चूँकि 28 दिसंबर तक ये कार्यक्रम होना है अमर, और इस बात को लेकर सुबुगाहट भी है, इस बात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा भी है सरकार के अंदर कि नियमित तौर पर ये जो कार्यक्रम है ये आगे भी चलेगा, यानी आने वाले सालों में नवंबर दिसंबर के माह में इसी तरीके का कार्यक्रम सरकार फिर से लाएगी, लोगों के बीच जाएगी। तो एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस कार्यक्रम को लेकर। जी बिल्कुल राकेश, वो देखते भी बन रहा है कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, और सीएम खुद लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी कर रहे हैं। राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अब कुछ ही देर में सीएम हेमंत सोरेन वहां पहुंचेंगे और लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे, जिसमें आपको बता दें कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, और साथ ही यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिल रही है सरकार और लोगों के बीच में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।